बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने महागठबंधन में टूट पर चुटकी ली। शाहनवाज ने कहा कि कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर मुलायम को अलग कर दिया। हर राजनीतिक दल की अपनी महत्वता होती है, ऐसा नहीं है कि कोई राजनीतिक दल, लेकिन ये अलायंस जो बना था ये जनता परिवार का मंचर एक बड़े राजनीतिक पिक्चर को देखते हुए बना था। आज समाजवादी पार्टी के नामगोपाल यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कहा वो हमने भी सुना है, तो इसमें अभी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। हमारे नेता बैठेंगे, बात करेंगे माननीय मुलायम सिंह यादव जी से, हम उनसे आग्रह करेंगे अपना डिसीजन को रिकंसिडर करने के लिए। महागठबंधन बना था, वो बनने से पहले ही बिखड़ गया है। पहले सब दलों ने मिलकर मुलायम सिंह यादव को माला पहना दी थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया था और नाम और निशान उसका तय करने की जिम्मेदारी कुछ नेताओं पे दी थी। फिर इन लोगों ने कहा कि हम बिहार के चुनाव के बाद महागठबंधन करेंगे बीजेपी को रोकने को, और यहाँ पर बिहार के अंदर नीतीश कुमार, लालू जी और कांग्रेस ने मिलकर सीटें बांट ली और समाजवादी पार्टी आज अलग हो गई। पता नहीं चुनाव तक भी लालू जी, नीतीश जी साथ साथ रहेंगे कि नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी का इस गठबंधन से अलग निकलना पूरी तरह से ये साबित हो गया कि ये जो महागठबंधन है इसका कोई भविष्य नहीं है।